यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है, जो हमेशा भूतों से बहुत डरता था। एक दिन अर्जुन के दादाजी ने देखा कि वह हमेशा डरा सहमा रहता है। उन्होंने उसे समझाने की सोची और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक खास कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी तुम्हारे डर को खत्म कर देगी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, दादाजी, कहीं यह भूतों की कहानी तो नहीं? दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं बेटा, यह एक भूत की कहानी जरूर है, लेकिन इसमें छिपा है एक कहानी। एक छोटे गांव की थी, जहां लोग हमेशा एक पुराने महल के पास जाने से डरते थे। गांव में यह मान्यता थी कि उस महल में एक खतरनाक भूत रहता है, जो हर रात लोगों को तंग करता है। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में वीर नाम का एक लड़का आया। उसे भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह हमेशा कहता था, सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। अगर हम खुद को मजबूत बनाएं, तो कोई भूत हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। वीर ने तय किया कि वह उस महल में जाएगा और पता लगाएगा कि भूत सच में है या नहीं। उनके लोग उसे रोकने लगे, लेकिन वीर नहीं माना। वह रात में महल में पहुंचा और वहां देखा कि कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। वह डरने की बजाय आवाज का पीछा करता हुआ महल के अंदर गया। महल के अंदर जाकर वीर को एक बूढ़ा आदमी मिला, जो वर्षों से अकेले उस महल में रह रहा था। वह आदमी गांव के लोगों को डराने के लिए अजीब आवाजें और भूत जैसी हरकतें करता था, ताकि कोई उसे परेशान न करे। वीर ने उसकी सच्चाई गांव वालों को बताई और कहा, डर सिर्फ तुम्हारे मन में है। जब तक तुम डरोगे, वह डर तुम्हें हावी करेगा। अगर तुम उससे सामना करोगे, तो वह खुद ही खत्म हो जाएगा। अर्जुन का डर खत्म हुआ। दादाजी ने कहानी खत्म की और अर्जुन से कहा, देखो बेटा, डर सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। अगर हम अपने डर का सामना करें, तो वह कमजोर हो जाता है। तुम भी अपने डर से लड़ना सीखो। अर्जुन ने इस कहानी से एक महत्वपूर्ण सीख ली। अब वह रात को अकेला जाने से नहीं डरता था, बल्कि उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन के हर डर का सामना करेगा। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और वह पहले से ज्यादा साहसी बन गया। डर चाहे भूत का हो या जीवन की किसी मुश्किल का, उसका सामना करने से ही हम उसे जीत सकते हैं। सिर्फ हमारे मन की उपज होती है, और जब तक हम उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, वह हमें कभी नहीं हरा सकता। डर से भागने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम असली विजेता बनोगे।